हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम से डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम से प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लिखा आया हूँ जिसका साइज है 10x30 फ्रंट इसका 10 फीट दिया, लंबाई इसकी 30 फीट रखी है। देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में आपको हाउस प्लान कम्प्लीट दिखेगा, उसके ऊपर भी आपको हाउस प्लान कम्प्लीट दिखेगा। ये पूरा आपका लो बजट का प्लान तैयार किया है। फ्रंट एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको इसकी 3D में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। तो बढ़ते हैं अपनी 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको 3D में प्लान मिलता है। देख सकते हैं फ्रंट इसका 10 फीट दिया, लंबाई इसकी 30 फीट रखी है। 10x30 में कुछ इस तरीके से कम्प्लीट हटिया के साथ प्लान पूरा कम्प्लीट बना हुआ है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके जाल भी दिए हैं, वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्लान में, देख सकते हैं आप। अगर आपका किसी अदर साइज का प्लॉट है तो हमारे चैनल पर आकर यहाँ पे वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी प्लान मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से अदर अदर साइज के, देख सकते हैं आप। अगर आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो बढ़ते अपने प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में आपको एंट्री गेट मिल जाता है। गेट्स पहले कुछ इस तरीके की सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पौधा लगाने के लिए स्पेस भी दिया है, देख सकते हैं। ये गेट आपका 4 फीट का लगा है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जीने के नीचे आपको बाइक पार्किंग मिल जाती है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना दिख जाता है। कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। ये आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी, कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया है। ये जीना आपका 2.5 फिट का दिया हुआ है। यहाँ पे आपका टोटल 5 फिट स्पेस यूज किया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको विंडो भी उपलब्ध कराई है, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से स्पेस दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमाई दिख जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके का छोटा सा रोशनदान दिया है। यहाँ पे आप एग्जास्ट भी लगा सकते हैं। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज रखा है 4x6, 4x6 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बड़ा सा आपको हॉल मिल जाता है। हॉल में आपकी कुछ इस तरीके से किचन बनी है, देख सकते हैं 5x6, 5x6 में आपकी किचन डेकोरेट की गई है, देख सकते हैं 5x6। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको स्पेस दिख जाता है। यहाँ पे आराम से आप पूजा घर डेकोरेट कर सकते हैं। 3x3 का यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है पूजा घर के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से हॉल मिल जाता है। हॉल मिलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री दिखता है और वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके रूम दिख जाता है, देख सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x11, 10x11 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं 10x11। यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन और पूजा घर बनाने में मैंने स्पेस यूज किया है 8.5x10 का, 8.5x10 का यहाँ पे आपका स्पेस यूज किया है, देख सकते हैं। पूजा घर और किचन को बनाने में देख सकते हैं यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल के लिए स्पेस भी मिल जाता है कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके दिख जाता है। जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद तुरंत ऊपर जाने के लिए आपको जीना दिख जाता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 फिट का छज्जा मिल जाता है। 3 फिट के यहाँ पे आपको बालकनी मिल जाती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके विंडो उपलब्ध कराई है। ऑल टाइम उजाला बना रहेगा आपके जीने में। कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस दिख जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंटीग्रेट दिखता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं यहाँ पे लाइटिंग बाथरूम कमाई दिख जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके छोटा सा रोशनदान भी दिया हुआ है। वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4x6 की आपकी लैट्रिन बाथरूम दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वेंटिलेशन जाल दिया है। लैट्रिन बाथरूम पास में जाल दिया है। अगर खुला भी रहता तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर भी इसी जगह पर जाल दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ओपन एरिया दिख जाता है 8.5x10 का। यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है किचन बनाने में। अगर आप किचन बनाना चाहते हैं ऊपर बना सकते हैं, नहीं तो आप हॉल छोड़ सकते हैं या फिर आप रूम भी बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिखता है। वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके रूम दिख जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था 10x11 का आपका रूम दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे भी आपको 1BHK हाउस प्लान दिखता है, ऊपर भी आपको 1BHK हाउस प्लान कम्प्लीट दिख जाता है। कम्प्लीट हटिया भी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, देख सकते हैं। ये आपका वेंटिलेशन लिए जाल दिया है। ऊपर वाला छज्जा आपका 3 फिट का दिया, नीचे वाला छज्जा आपका 3 फिट का दिया हुआ है। कम्प्लीट एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। 10x30 में हाउस प्लान बहुत ही बेस्ट कंप्लीट बना हुआ है आपका। लो बजट का प्लान है, कोई यहाँ पे कॉस्टली चीज़ यूज नहीं किया, नॉर्मल आपका प्लान बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।